ये बहुत ही दुखद समाचार है कि हमारे यहाँ ये वैक्सीनेटेड श्रीमती प्रोमिला देवी, जिनकी उम्र 56 इयर्स थी, इनको पटलांदर में टीकाकरण किया गया था 29 जनवरी को, 29 को किया गया था, और उनके साथ ही उस सेम डे 29 को 90 लोगों को टीकाकरण और हुआ था। और इस जिस वायल से उनको टीकाकरण किया गया था, उसमें से टोटल 10 लोगों को टीकाकरण उसी वायल से हुआ है। और अभी तक किसी भी केस में कोई ऐसी एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है। और अगर मैं डेटा के साथ बात करूं, तो अभी तक हमारे टोटल 5425 अगर हमारे टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनमें से हम 4433 लोगों को फर्स्ट डोज दे चुके हैं, और फ्रंट लाइन वर्कर्स में भी हम 1405 के आसपास लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। सेकेंड डोज, क्योंकि अब हमारे 28 डेज के बाद सेकेंड डोज लगती है, तो सेकेंड डोज भी हम 971 लोगों को दे चुके हैं। टिल डेट अभी तक टोटल हमारे जिला में 8 केसेस हैं जिनको एडवर्स इवेंट नोट किए गए हैं। उनमें से एक तो ये श्रीमती प्रोमिला देवी हैं, और 7 माइनर केसेस हैं, मगर ऐसा कुछ भी रिएक्शन किसी और को नहीं हुआ है। और ये प्रोमिला देवी उस दिन 6 तारीख को सुबह 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुई थी। मौत के कारण के लिए अभी असेसमेंट चली है, क्योंकि टांडा में भी वो सीरियस रही हैं, वेंटिलेटर पर रही हैं, पूरी उनकी केयर की गई है, हर संभव टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट दिया गया था। बट टांडा में थोड़ी जब उनकी कंडीशन डिटीरियोरेट हो गई, तब उनको शिमला शिफ्ट किया गया, IGMC शिमला के में शिफ्ट किया गया था, और उसी रात उनकी अर्ली मॉर्निंग शिमला में डेथ हुई है। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उसका एनालिसिस के लिए उसके वो जाएंगे, मे बी टेक 6 वीक्स, मिनिमम 6 वीक्स बोल रही हूँ, पर हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो आज पोस्टमार्टम हो रहा है, IGMC में अभी चल रहा है।